मायापुरी न्यूज के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं छवि। आइए देखते हैं इस हफ्ते की एंटरटेनमेंट न्यूज फटाफट। प्रियंका ने जमकर किया घूमर डांस। प्रियंका चोपड़ा की शनिवार को क्रिश्चियन वेडिंग हुई। वेडिंग के बाद मेहमानों के लिए कॉकटेल पार्टी भी हुई। क्रिश्चियन वेडिंग से पहले संगीत की रस्म के दौरान प्रियंका ने भी जमकर ठुमके लगाए। प्रियंका की संगीत सेरेमनी में बॉलीवुड गानों की धूम रही। फंक्शन में पीसी ने घूमर डांस किया। घूमर की तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान प्रियंका ने डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला के डिजाइन किए लहंगे को पहना। संगीत और मेहंदी रस्म में प्रियंका के साथ निक जोनस ने हाथ में खास मेहंदी लगवाई। सिंगर ने मेहंदी से हाथ में प्रियंका का नाम लिखवाया। रस्मों के बाद हुई पार्टी में 150 तरह के व्यंजन मेहमानों के लिए परोसे गए। इसमें बहुत से राजस्थानी व्यंजन भी थे। पार्टी में मानसी स्कॉट चिनान परेरा के बैंड ने लाइव परफॉर्मेंस दी। दीपिका रणवीर के रिसेप्शन का पूरा एल्बम। बॉलीवुड के बाजीराव मस्तानी ने अपनी शादी का सेलिब्रेशन शनिवार रात मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में बी टाउन सेलेब्स के साथ मनाया। अमिताभ बच्चन इस पार्टी में अपने परिवार के साथ नजर आए। दीपिका पादुकोण को फिल्म इंडस्ट्री में पहली सक्सेस देने वाले शाहरुख खान दीपवीर के रिसेप्शन में पहुंचे। करीना कपूर खान इस पार्टी में बॉटल ग्रीन शेड के गाउन में पहुंची। करीना सैफ अली खान के साथ नजर आई। बोनी कपूर अपनी बेटियों संग पहुंचे। पार्टी में अंशुला और खुशी कपूर ब्लैक ड्रेस में नजर आई। जानवी कपूर ने पार्टी के लिए पीले रंग की साड़ी पहनी। प्रीति जिंटा रेड ड्रेस में अपने पति गुड एनएफ के साथ नजर आई। सैफ के साथ उनकी बेटी सारा अली खान नजर आई। मलाइका और अर्जुन दोनों ने इस पार्टी में पर्पल कलर में ड्रेसअप किया था। कैटरीना कैफ पार्टी में ट्रेडिशनल लुक में नजर आई। मीरा राजपूत रिसेप्शन में शाहिद कपूर के बिना पहुंची। अनिल कपूर इस पार्टी में फराह खान के साथ पहुंचे। सयामी खैर सिल्वर शेड के ऑफ शोल्डर गाउन में नजर आई। वासु भगनानी परिवार दीपवीर के रिसेप्शन में नजर आया। आयुष्मान खुराना अपने भाई अपार शक्ति खुराना के साथ पहुंचे। इस पार्टी में आयुष्मान के साथ उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप भी नजर आई। रेखा पार्टी में अपनी ट्रेडिशनल लुक में नजर आई। करण जौहर पार्टी में अपनी स्टूडेंट अनन्या पांडे के साथ पहुंचे। भूषण कुमार अपनी पत्नी दिव्या खोसला के साथ पहुंचे। इसके अलावा बॉलीवुड की तमाम हस्तियां शामिल हुई। फेरों के वक्त रो पड़ी थी प्रियंका। चाचा ने किया कन्यादान। शादी का मौका किसी भी लड़की के लिए बहुत खास होता है। जाहिर तौर पर प्रियंका के लिए भी ये काफी खास था। जयमाला के वक्त प्रियंका चोपड़ा काफी इमोशनल हो गई थी। शादी में शामिल हुए मेहमानों ने बताया कि वह काफी भावुक थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हालांकि निक ने माहौल संभाला और प्रियंका मुस्कुराने लगी। चूड़ा सेरेमनी में प्रियंका की हल्दी सेरेमनी का आयोजन हुआ। इस सेरेमनी में प्रियंका के अंकल ने उन्हें 21 चूड़ियां तोहफे में दी थी। क्योंकि प्रियंका चोपड़ा के पिता नहीं है, इसलिए उनकी कन्यादान की रस्म परिणीति के माता पिता ने पूरी की। इशा अंबानी के फंक्शन में उदयपुर में 200 फ्लाइट करेंगी अप डाउन। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी 12 दिसंबर को मुंबई में होगी। इससे पहले दोनों परिवार एक वीकेंड उदयपुर में सेलिब्रेट करेंगे। इस दौरान शादी के पूर्व कार्यक्रम आयोजित होंगे। दोनों परिवार 8 और 9 दिसंबर को अपना वीकेंड उदयपुर में धूमधाम से मनाने पहुंचेंगे। इस दौरान शादी के कार्यक्रम जग मंदिर, लेक पैलेस, उदय विलास और लीला पैलेस में आयोजित होंगे। उदयपुर एयरपोर्ट पर अगले हफ्ते के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 200 चार्टर्ड प्लेन शेड्यूल किए गए हैं। इसका बड़ा कारण अंबानी और पीरामल परिवार के मेहमानों की आवाजाही है। इसके अलावा अंबानी ने अपने मेहमानों के लिए 5-स्टार होटल भी बुक किया है। प्रियंका निक के रिसेप्शन की इनसाइड फोटो। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी के बाद पहला रिसेप्शन दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित किया गया। रिसेप्शन में दोनों रॉयल लुक में नजर आए। रिसेप्शन में परिवार वाले और करीबी रिश्तेदार शामिल हुए। फोटोज में जहां प्रियंका ट्रेडिशनल लुक में है, तो वहीं निक जेंटलमैन अवतार में नजर आए। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रियंका ने ऑफ व्हाइट कलर का लहंगा पहना हुआ है, जिस पर सिल्वर कलर की कारीगरी की गई है। इस लहंगे में बेहद ही खूबसूरत लग रही है प्रियंका। इस पूरे लुक को बेहतर बनाने के लिए एक्ट्रेस ने स्मोकी आई मेकअप और डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है। उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए जूड़ा बनाया हुआ है, जिसे सफेद फूलों से डेकोरेट किया गया है। इसके साथ ही प्रियंका ने लाल चूड़ा भी पहना हुआ है। वहीं निक जोनस की बात करें तो वो सूट में काफी हैंडसम लग रहे हैं। उन्होंने ब्लू कलर की जैकेट के साथ व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन की शर्ट पहनी हुई है। बता दें कि कपल के रिसेप्शन वेन्यू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फोटो में दोनों के नाम का पहला अक्षर NP को बेहद ही शानदार तरीके से डेकोरेट किया गया है। रणवीर से दीपिका की प्रेगनेंसी पर पूछा गया सवाल। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी को 20 दिन हो चुके हैं। 2 शादियां और 4 रिसेप्शन के बाद अब दीपिका और रणवीर काम पर लौट आए हैं। हाल ही में रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म सिम्बा का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ।
ट्रेलर रिलीज के लिए मेकर्स ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। तभी एक महिला पत्रकार ने रणवीर से पूछा, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे पता था दीपिका 6 महीने में मेरे बच्चों की माँ बनेगी, ये कहने के पीछे आपका क्या मतलब था? इस सवाल का जवाब देते हुए रणवीर ने कहा, मैं उससे 2012 में मिला था और मुझे पता था कि अगले 6 महीने में वह माँ बनने वाली है। रणवीर की इस बात पर रोहित शेट्टी उनके मजे लेते नजर आए, वहीं सारा अली खान भी हंस पड़ी। रणवीर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रणवीर ने ये बात कहकर अपने फैंस को इशारा दे दिया है कि ये स्टार कपल फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। जल्द ही दीपवीर के घर नन्हा मेहमान आने वाला है। सलमान बने बॉलीवुड के सबसे अमीर सेलेब। फोर्ब्स 2018 की 100 सबसे अमीर सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में सुपरस्टार सलमान खान का नाम सबसे ऊपर है। सलमान खान ने क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर जगह बनाई है। टॉप 100 की लिस्ट में सलमान खान 253 करोड़ सालाना कमाई के साथ पहले नंबर पर हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की सालाना कमाई 228 करोड़ रुपए है और वो लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार 185 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 2017 में 98 करोड़ अक्षय की कमाई रही। दीपिका पादुकोण टॉप 10 की सूची में अकेली फीमेल सेलेब हैं। अपने पति रणवीर सिंह को भी कमाई के मामले में दीपिका ने पीछे छोड़ दिया है। उनकी सालाना कमाई 112 करोड़ रुपए है। कैप्टन कूल धोनी 101 करोड़ सालाना कमाई के साथ लिस्ट में 5वें पायदान पर हैं। 97 करोड़ की कमाई के साथ आमिर 6ठे पायदान पर हैं। अमिताभ बच्चन 96 करोड़ की कमाई के साथ 7वें पायदान पर हैं। 84 करोड़ की सालाना कमाई के साथ रणवीर 8वें पायदान पर हैं। 80 करोड़ की सालाना कमाई के साथ मास्टर ब्लास्टर 9वीं पोजीशन पर हैं। अजय देवगन 74 करोड़ की सालाना कमाई के साथ इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। क्या प्रेग्नेंट है अनुष्का शर्मा? अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जीरो की तैयारी में बिजी हैं। इस फिल्म में अनुष्का के साथ शाहरुख खान और कैटरीना कैफ नजर आने वाले हैं। हाल ही में फिल्म के प्रमोशन को लेकर अनुष्का शर्मा अपनी टीम के साथ कई इवेंट्स में नजर आई हैं। एक इवेंट के दौरान अनुष्का ने खुलासा किया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। अनुष्का ने कहा, मुझे नहीं पता ये खबरें कहाँ से आती हैं, ये पूरी तरह से बेकार की बातें हैं। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि आप शादी तो छिपा सकते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं। जब ऐसी खबरें आती हैं उसके 4 महीने बाद उन खबरों का सच भी सामने आ जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी छिप नहीं सकती। फिल्म 2.0 का 7 दिन का कलेक्शन 500 करोड़ के पार। रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 की बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई का दौर रिलीज के एक हफ्ते बाद भी बरकरार है। अब ये फिल्म बॉलीवुड का नया इतिहास रचने की तैयारी में नजर आ रही है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 7 दिन में ही 500 करोड़ का सुनहरा आंकड़ा छू लिया है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने जहां 6वें दिन ही वर्ल्ड वाइड 488 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं गुरुवार को इस फिल्म ने 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करते हुए बाहुबली की कुल कमाई को मात दे दी है। 7वें दिन फिल्म के हिंदी वर्जन ने 9 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसे मिलाकर फिल्म के हिंदी वर्जन की कुल कमाई 132 करोड़ रुपए हो गई है। मायापुरी न्यूज़ के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में इतना ही। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज़ के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।